शिमोगा समर इंतखाबात को लेकर मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम की जानिब से एक अहम बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस दफ़ा जेडीएस को तायद की जा रही है, क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने शुरू से ही इंतखाबात के आगाज़ से ही मुख्तलिफ उमूर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, मुख्तलिफ नुमाइंदों और अमायदीन शहर से तबादला ख्याल किया और हतमी तौर पर एक रिपोर्ट पेश करते हुए इसमें कई तरह के मुतालबात किए गए हैं जिससे कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुँच सके। इस सिलसिले में इन्होंने जो बयान जारी किया है वो इस तरह से है, कमेटी फॉर्म मुसलमानों के हक और अधिकार दिलाने के लिए एक सीएम कुमार स्वामी आइनूर मंजुनाथ श्रीकांत से 12 शर्तों पर टोटल हम बात किए हैं, उसमें रिजर्वेशन से लेकर मुस्लिम समाज के ऊपर, मजहब के ऊपर जो भी मूव लंचिंग के ऊपर जो भी फिरका परस्त निज़ाम हावी होने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का हमने सवाल किया है। साथ में मुसलमानों को इख्तदार में लाने के लिए और मुसलमानों को वार्ड डेवलपमेंट करने के लिए रिजर्वेशन की बात पर और शिवप्पा नायक में फ्रूट मार्केट के लिए जो उन फिरका परस्त ताकतें हटाए थे फिर उसको वहां पर बसाने के लिए और आने वाले दिनों में एजुकेशन के ऊपर और जितने भी हमारे मसाइल हैं टोटल ऐसे 12 मसाइल हैं, इस पर हम बात कर मुआहिदा किए हैं, उस पर वो शरत को मंजूर कर लिए हैं। इंशाअल्लाह वो मंजूर होने के बाद हमारे जो समाजी और मिल्ली तंजीमों से भी राय मशवरा करके हमने फैसला लिया है कि इस बार के इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट फिरका परस्त को हराने वाली पार्टी जो जीतेगी, जो जो फॉर्म का काम करेगी वैसी पार्टी को, जो पार्टी है जेडीएस पार्टी जिसके उम्मीदवार हैं आइनूर मंजुनाथ, हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी इनकी तायद करिए और इनको अपना हक अपना वोट इनको दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी और मिल्ली तंजीमें जितने भी मोहल्ले के हजरात और कमेटी हैं इनसे राय मशवरा लेकर हर 3 महीने में एक टाइम एमएलए को बुलाकर हमारे जो भी मसाइल होंगे उस पर चर्चा कर शिमोगा के अवाम को हम हर चीज़ में इख्तदार और ताकत दिलाने की बात करेंगे। इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी बात करती है। इंशाअल्लाह आप भरोसा रखें हम कौम का सौदा नहीं करेंगे, कौम के हक में फैसला ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ये बात भी हम कयामत के दिन भी आपको जवाब देने के लिए रेडी हैं। आप तायद करिए अंख्या मूझ कर, इंशाअल्लाह जीतने वाला कैंडिडेट जेडीएससी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद वसीक मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जीतने वाले कैंडिडेट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म की जानिब से आइनूर मंजुनाथ की तायद करते हुए आइनूर मंजुनाथ को वोट देकर अपना कीमती वोट आइनूर मंजुनाथ को दे एक नंबर वोट दे के कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म की जानिब से हमने ये फैसला किया है कि आइनूर मंजुनाथ जो जीतने वाला कैंडिडेट है शिमोगा के अंदर, ऐसे कैंडिडेट की हम तायद करते हैं कि आप सब उसी की तायद करें, एक नंबर को वोट देकर कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुस्लिम डेवलपमेंट फॉरम से इतला दी जाती है कि हम ग्राउंड लेवल में देख कर काम करके जो जेडीएस के वोटर्स हैं ज़्यादा देने की वजह से हम तायद करते हैं कि जेडीएस को वोट देकर कामयाब बनाए, फिरका परस्त पार्टी में फिरका परस्त पार्टी को हराएं और वोट हर आदमी भी जाके वोट दे, जितना भी काम हो उसका है वो छोड़कर जाके एक आधा घंटा वोट देकर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हम जो लोग हैं मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म की जो कमेटी है तो ये तायद किया है कि जो एमएलए हमारे जो मंजुनाथ सर हैं जेडीएस को जिताएँ अपना खीम जो मंजुनाथ सर को दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिमोगा मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म की जानिब से आइनूर मंजुनाथ को हम तायद करते हैं, आइनूर मंजुनाथ को वोट दे के कामयाब बनाए, बीजेपी को हराने के लिए एक ही एक कैंडिडेट शिमोगा में आइनूर मंजुनाथ, इनको वोट दे के कामयाब बनाए, बीजेपी को हराए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।